हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है वो है इनके इंग्लैंड में, यूके में जो घर होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो आप लोगों ने जो पहले मैंने वीडियो डाली थी घर के लिए कि यहाँ पर एक शो होम मैंने दिखाया था एक बिल्डर का, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा बाय चांस, वैसे काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो उसमें ही उसमें जब मैंने दिखाया है उसी को मैं थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि उसके साथ साथ कि मतलब मैंने उसमें कुछ दो तरह के घर दिखाए थे। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं और कितने तरह के घर होते हैं यूके में, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं फिर अगर फर्दर जब वीडियोज आएगी कोई भी तो आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसा घर हुआ। तो उस तरह से तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह के घर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स तो वही सब जगह सेम होते हैं। तो एक तो होते हैं फ्लैट्स और दूसरे एक होते हैं ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स। ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि वो दो फ्लोर पे होते हैं, तो यही एक डिफरेंस होता है मेनली तो उनमें। तो फिर फर्दर अगर बात करें तो नंबर थर्ड की, तो वो आते हैं हमारे स्टूडियो फ्लैट्स। तो जो स्टूडियो फ्लैट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा रूम होता है और उसी में सब कुछ होता है आपका, जैसे किचन ओपन प्लान टाइप का होता है वो। तो वो होता है स्टूडियो, आपका अपार्टमेंट बोले या फ्लैट या जो भी है बोलना चाहो, तो उस तरह से वो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं। होता है डिटैच हाउसेस। डिटैच हाउस जो होते हैं वो किसी भी तरफ से जुड़े नहीं होते हैं, कि दूसरे जो नेक्स्ट उससे घर होगा उससे दीवार जो होती है उसकी जुड़ी नहीं होती है किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से। मतलब अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि सामने की तरफ भी आपका मेन डोर होगा या कुछ और होगा तो वैसे भी ओपन ही होगा, और पीछे की तरफ मेनली बैकयार्ड जो होता है वहां से भी आपका इस सच अटैच नहीं होता है। तो जो साइड की जो दीवारें होती है वो अटैच नहीं होती, तो डिटैच हाउस होता है। तो डिटैच हाउस तो कितना भी हो सकता है, मेनली डिटैच हाउस जो स्टार्ट होते हैं वो थ्री बेडरूम से स्टार्ट होते हैं, तो थ्री बेडरूम फोर फाइव फर्दर कितना भी हो सकता है फिर उस तरह से है। फिर इसके बाद होते हैं सेमी डिटैच हाउस। तो सेमी डिटैच, उसमें जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटैच और सेमी डिटैच दोनों दिखाए थे। तो जो डिटैच हाउस था वो फोर बेडरूम था और जो सेमी डिटैच था वो थ्री बेड था। तो जो सेमी डिटैच होते हैं, तो वो सेमी डिटैच हाउस जो है वो या तो थ्री बेड होता है, टू कुछ भी होता है। तो सेमी डिटैच कैसे होता है कि वो दो घर जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो मुझे जो जो पिक्चर्स मिलेगी, जो जो हो सकेगा, तो मैं पिक्चर्स भी डाल दूंगी ऊपर की तरफ, तो ताकि आपको हेल्प होगी साथ में देखने में। पिक्चर्स देख के थोड़ा और अच्छे से समझ आता है। तो उसमें क्या होता है कि सेमी डिटैच, जैसे मैंने आपको बताया कि दो घर होते हैं वो साथ में, उनकी दीवारें जुड़ी होती है, स्पेस होता है बहुत हल्का होता है, बट बेसिकली उसमें दिखता नहीं है आपको, तो वो जुड़े ही होते हैं एक तरह से। तो उसमें बस यूँ होता है कि अगर किसी के घर में कोई उधर से कुछ कर रहा है तो आपको वो नॉइज आती है, थोड़ा सा रहता है उस तरह से। हालांकि ये कोशिश करते हैं कि उस तरह से बनाए कि एक घर के दूसरे घर में ना जाए, साउंड प्रूफ तरह का, बट फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार होता है। तो चलो घर, फिर एक ही घर होते हैं। तीन घर जब एक साथ जुड़े होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो टेरेस्ड हाउस बोलते हैं, जो बीच में होता है मिड टेरेस, और जो आखिरी में लास्ट में होगा वो एंड टेरेस। तो इसमें क्या होता है, ये तीन घर जुड़े होते हैं। तो जो लास्ट वाला होता है उसकी एक दीवार जो होता है वो एक तरफ से नहीं, बिल्कुल किसी भी उससे जुड़ा नहीं होता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो भी किसी से जुड़ा नहीं होता। तो इस तरह से ये टेरेस्ड हाउस बोलते हैं इनको। दूसरा कॉटेजेस होती है, जो ज़्यादातर जो गांव के एरियाज होते हैं उस तरह के, उन उस तरफ मिलते हैं। बंगलोज होते हैं यहाँ पर। तो बंगलोज क्या होता है कि बस ग्राउंड फ्लोर पे होता है पूरा घर, और एक कॉटेज टाइप का ही बनाते हैं वैसे। और बंगलोज में मेनली वो रहते हैं जो एज्ड लोग हैं, और थोड़ा या कोई प्रॉब्लम है किसी की फैमिली, तो उस तरह के लोग ज्यादातर उस तरह का घर जो होता है वो प्रेफर करते हैं। इसके बाद मेंशन्स होते हैं। मेंशन तो फिर नाम से ही पता चलता है कि खूब बड़े बड़े घर होते हैं जिनके साथ कई कई सौ एकड़ के, मैं ये कहूंगी कि एरिया भी होता है, इतना गार्डन दूर दूर तक आप कुछ नहीं दिखता है, तो इतने बड़े घर भी होते हैं, बट वो बहुत महंगे होते हैं। तो ये है, खरीदने वाले उनको भी खरीदते हैं। तो एक वो होते हैं, और सबसे लास्ट में जो रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है, इवन हमारे एरिया में बन रहे हैं, उसकी पिक्चर्स तो जरूर डालनी पड़ी, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। स्काई हाउसेज इन्होंने उसको बोलते हैं। और स्काई हाउसेज में क्या होता है कि एक पूरा ब्लॉक बनाते हैं, उसमें कई सारे घर, में दो बेडरूम भी बनाते हैं, थ्री भी बनाते हैं, और फोर भी है उसमें। तो किस तरह से है, फर्स्ट वाला जैसे फोर बेडरूम बना देते हैं, बाद में थ्री या फोर एक रो में बनाते जाते हैं,
और जिसमें से तीन या चार उसमें घर बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लैंड तो आपके पास होती ही होती है, और ये होता है कि आपका पास ऊपर के फ्लोर्स पे बना देते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है बजाय आप फ्लैट में रहो। और वो थोड़े से चीप भी है क्योंकि कंपेरेटिवली ज्यादा तो नहीं, आजकल तो प्राइसेस खैर काफी हाई हो रखे हैं यूके में भी घरों के, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो वो कंपेरेटिवली चीप ही है। तो यही सब तरह के घर हैं। और अगर मैं बात करूं कि आगे आने वाली वीडियो कौन सी है, तो यस, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको घर किस किस तरह के हैं, तो यहाँ पर और जो बिल्डर्स हैं उनके मैं घर की दिखाऊंगी आपको कि क्या है, हम देखने गए थे और क्यों देखने गए थे वो भी बताऊंगी। तो वही सब वीडियो आने वाली है अब आगे, और आप जरूर देखना। और अगर ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।